नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी मैनिया में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे 1 अगस्त 2020 का द हिंदू समाचार पत्र। उससे पहले चलते हैं कल के प्रश्नों की तरफ। सबसे पहला प्रश्न है आपका, थ्री कैपिटल फार्मूला किस राज्य से संबंधित है? तो ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। आंध्र प्रदेश ने निर्णय लिया है कि वो अपने प्रदेश में 3 राजधानियों का निर्माण करेगा। हमने कल इस पर चर्चा की थी। अगला प्रश्न, गांधी किंग इनिशिएटिव के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? यह भारत और यूएसए के मध्य गांधी जी और मार्टिन लूथर किंग जूनियर के इतिहास पर अध्ययन के लिए बनाया गया है। बिल्कुल सही है, इसे यूएस एड द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। भी बिल्कुल सही, तो दोनों ऑप्शन सी यानी कि सही हो जाता है। अब हम चलते हैं आज के अपने समाचार पत्र की तरफ। तो समाचार पत्र में सबसे पहली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, कोर सेक्टर आउटपुट श्रिंक्स 15% इन जून, फर्टिलाइजर्स बक ट्रेंड। तो जो कोर क्षेत्र है अर्थव्यवस्था का, उसमें 15% तक सिकुड़न आई है। कोर सेक्टर क्या होता है? ये ऐसे सेक्टर होते हैं जो मुख्यतः किसी भी अर्थव्यवस्था के रीढ़ होते हैं। रीढ़ का मतलब, जैसे आप समझ लीजिए, उसके कुछ उदाहरण हम देखते हैं, कोयला हो गया, स्टील हो गया, पेट्रोलियम रिफाइनरी हो गई। तो ये सारी चीज़ें ही हैं जिनसे सभी बाकी उद्योग निर्भर होते हैं। जैसे कि उदाहरण देंगे हम पेट्रोलियम, तो पेट्रोलियम पे पूरा आपका ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री निर्भर है। सारी मशीनें लगभग पेट्रोलियम चलती हैं। और स्टील का उदाहरण लेंगे, सारी मशीनों का निर्माण के लिए जो मूलभूत रॉ मटेरियल है वो स्टील है। इसलिए लगभग लगभग पूरी इंडस्ट्रीज जो है, कहा जाता है, इन कोर सेक्टर उद्योगों पर निर्भर होती है। और अगर कोर सेक्टर उद्योगों पर सिकुड़न आती है तो इसका प्रभाव माना जाता है कि पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। तो अभी जो कोर सेक्टर की इंडस्ट्रीज है उन वो 15% तक सिकुड़ी हैं। ये पिछला सेक्टर था उसकी तुलना में थोड़ा सा उसमें सुधार आया है, पहले 22% तक सिकुड़ी थी। तो ये चीज़ हमने देखा। अगली न्यूज आर्टिकल है, फिस्कल डेफिसिट टचेस 83% ऑफ फुल ईयर टारगेट। तो जो राजकोषीय घाटा है वो जितना पूरे वर्ष भर का टारगेट रखा गया था उसका 83% केवल पहले 3 माह ही में ही पूरा हो चुका है। तो पहले 3 माह में लगभग 6.62 लाख करोड़ का राजकोषीय घाटा हो चुका है, जो कि पूरा जितना टारगेट रखा गया था वर्ष भर के लिए वो 83% है। क्योंकि आप देख रहे होंगे इस कोरोना काल में जो स्थितियाँ थी उसमें काफ़ी खर्च हो गया, जबकि सरकार की आय का स्रोत काफ़ी सीमित था। इसलिए राजकोषीय घाटा का टारगेट जितना था उसका 83% पहले 3 माह में ही पूरा हो चुका है। अब देखेंगे, और संभावना ये भी है कि जो राजकोषीय घाटा का लक्ष्य है वो भी ब्रीच हो जाएगा। अगली न्यूज आर्टिकल है, केंद्रीय विद्यालय इज अनलाइकली टू चेंज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुई है उसमें ये कहा गया है कि कक्षा पाँच तक के जो भी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा उस बालक की मदर टंग में होगा, यानी मातृभाषा में होगी। अगर वो हिंदी भाषी क्षेत्र से है तो उसकी जो अध्ययन का जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होना चाहिए वो हिंदी होना चाहिए। लेकिन केंद्रीय विद्यालयों के केस में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। क्या है कि जैसे केंद्रीय विद्यालयों में मुख्यतः आपके जो केंद्र के कर्मचारी हैं उनके बच्चे पढ़ते हैं, और आए दिन केंद्र के कर्मचारियों का ट्रांसफ़र होता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट। तो ऐसे में अगर कोई कर्मचारी का लड़का पढ़ रहा है एक राज्य में, मान लीजिए कर्नाटक पढ़ रहा है, उसको कन्नड़ भाषा में सिखाया जाता है, फिर वो उत्तर भारत में आता है उसको हिंदी भाषा में, तो यानी उसको काफ़ी चैलेंजेस झेलना पड़ेंगे। तो इसलिए इसमें केंद्रीय विद्यालय को अपवाद के स्वरूप रखा गया है। इसमें मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस का जो कंपल्सन है ज़रूरी नहीं होगा। अगला न्यूज़ आर्टिकल है, ये आपकी लोकल न्यूज़ है। अगली महत्वपूर्ण न्यूज़ आर्टिकल की तरफ हम चलेंगे। अगली महत्वपूर्ण न्यूज़ आर्टिकल आपका है, एक इंटरव्यू छपा है जो हमारे वर्तमान शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक इनका, इसमें बताया गया है। सबसे पहले इसमें कुछ प्रश्न जवाब इनसे किए जाते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न इनसे पूछा जाता है कि जो कक्षा 5 तक मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, क्या ये कंपलसरी होगा पूरे राज्य पूरे कंट्री भर में, और इसको कौन इम्प्लीमेंट करेगा, और क्या राज्यों का भी सुझाव लिया गया है। तो इनसे बताया गया है कि इनको लगभग 2 लाख सजेशंस लिए गए हैं, 2.5 लाख ग्राम पंचायतों से, 6600 ब्लॉक्स और 6000 अर्बन लोकल बॉडीज़ से। तो इनका कहने का उद्देश्य ये है कि हमने काफ़ी बड़े समुदाय से इसका सुझाव लिया है और इसको इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी प्रत्येक राज्य गवर्नमेंट की होगी, केंद्र नहीं करेगा, ये बात बताई गई है। फिर इनसे पूछा जाता है कि इसका इम्प्लीमेंट करने का टाइम पीरियड क्या होगा, ये जो पॉलिसी है, और कितने जो टीचर्स आपके पास सफिशियंट स्ट्रेंथ सफिशियंट है कि नहीं। तो ये बता रहे हैं कि हालांकि अभी हमारे पास सफिशियंट स्ट्रेंथ नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं शिक्षा व्यवस्था में, उसको हम लगातार डेवलप करेंगे, नए नए टीचर्स को भर्ती करेंगे, और जो आपका लोकल लैंग्वेज में आपका मातृभाषा में शिक्षण का व्यवस्था है, या फिर जो थ्री लैंग्वेज फार्मूला के अंतर्गत किसी भी बालक को 3 भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए शिक्षण काल के दौरान। तो ऐसे में जो कोई राज्य के बाहर की भाषा है उसके लिए 2 राज्य परस्पर एक कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं कि जैसे कर्नाटक का जो टीचर है वो आके यूपी में पढ़ाए कन्नड़, जो बच्चे कन्नड़ सीखना चाहते हैं, जो बच्चे हिंदी सीखना चाहते हैं वो यूपी का टीचर जाके कर्नाटक के बच्चों को पढ़ाए। तो इस तरह परस्पर राज्य अपने से कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। फिर अगला प्रश्न से पूछा जाता है कि जैसे ICSE बोर्ड हो गए, CBSE बोर्ड के जो स्कूल
रूल्स हैं इनमें भी जो क्या कंपल्सन होगा कि ये मैंडेटली जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं हिंदी ही रखें या लोकल भाषा रखें वहाँ की, तो बताएं कि इस जो पॉलिसी है इसकी खूबसूरती ही यही है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, यानी कि जैसे मांग रहेगी उस मांग के अनुरूप ये अपने आप को ढाल सकती है। फिर अगला प्रश्न इनसे पूछा जाता है कि जो इंडियन सिस्टम नॉलेज है उसको कैसे इसमें इंक्लूड किया गया है, तो भारतीय मूल की जो शिक्षा है, भारतीय का जो मूल शिक्षा है उसको कैसे इसमें इंग्रेडिएंट किया गया है। तो इन्होंने बताया कि जैसे जो प्राचीन भारत का इतिहास है इन सब चीज़ों को, या मॉडर्न इंडिया जो है इनकी जगह क्या क्या चुनौतियाँ हैं, क्या क्या सफलताएँ हैं, इन सब चीज़ों को करिकुलम में काफ़ी अच्छे से इंक्लूड किया जाएगा। फिर अगला प्रश्न इनसे पूछा जाता है कि जो पहले नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो ड्राफ्ट था ओरिजिनल, उसमें राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की बात की गई थी जिसको प्रधानमंत्री जी हेड करेंगे, लेकिन उसको इसमें हटा दिया गया, ऐसा क्यों कर दिया गया है। तो इन्होंने बताया कि अभी वर्तमान में हमारे पास एक बॉडी है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड फॉर एजुकेशन CABE, तो इसको और एम्पावर किया जा रहा है, इसको जिम्मेदारियाँ बढ़ाई दी जा रही है बढ़ाई जा रही हैं और ऐसा नहीं समझा गया इसकी आवश्यकता, इसलिए नई बॉडी बनाने के बजाय हमने पुरानी बॉडी को ही एम्पावर कर दिया है। फिर अगला प्रश्न इनसे पूछा जाता है हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया HECI, इसका बात काफ़ी पहले से चल रही है, अभी तक ये क्यों जो है नहीं आया बिल के रूप में और कब आने वाला है। तो उन्होंने बताया कि इसको प्रपोजल के लिए दिया गया है और जल्द ही ये बिल पेश हो सकता है। फिर एक प्रश्न और जो किया गया काफ़ी महत्वपूर्ण कि वो 6% जो GDP खर्च करने का शिक्षा पर लक्ष्य रखा गया है ये कैसे होगा। तो इन्होंने बताया केंद्र और राज्य मिलकर दोनों इस पर काम करेंगे, यूनिवर्सल एक्सेस की तरफ काम करेंगे, रिसोर्सेज को बढ़ाएंगे, न्यूट्रिशन सपोर्ट देंगे हम स्टूडेंट्स के लिए और जो मैटर प्रोवाइड कराएंगे, क्वालिटी टीचर्स प्रोवाइड कराएंगे, इन सब क्षेत्रों में हम जो है GDP का लगभग टारगेट रखेंगे 6% खर्च करें शिक्षा पर। फिर इससे जो आखिरी सवाल पूछा जाता है कि जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय था इसका नाम बदल के शिक्षा मंत्रालय क्यों करना पड़ा, क्यों ऐसी आवश्यकता पड़ी। तो इसमें बताया गया, उन्होंने ये बताया कि जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है इसका मुख्य कार्य जो है वो शिक्षा के संबंध में रहता है हमेशा, तो इसलिए बेहतर यही होगा इसका नाम बदल के शिक्षा मंत्रालय ही कर दिया जाए। इससे क्या होगा, जो भी पर्सनल्स वहाँ पर काम कर रहे हैं उनके दिमाग में ये बात हमेशा कॉन्स्टेंटली रहेगी कि मूल हमारा उद्देश्य क्या है, शिक्षा को देश में सुधार करना। तो जब मूल उद्देश्य इस मंत्रालय का ही शिक्षा संबंधित है तो क्यों जो है नाम दूसरा रहे, इसलिए काफ़ी हेल्पफुल होगा ये नाम बदलना। तो ये हमने देखा इंटरव्यू जो हमारे आपके वर्तमान शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी के द्वारा। और एक चीज़ और हम जान लेंगे इंपॉर्टेंट, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है इसका ड्राफ्ट किसने तैयार किया था, K.Kasturirangan कमेटी ने तैयार किया था। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम्स के लिए। बैन ऑन इंटरनेशनल फ्लाइट्स एक्सटेंडेड टिल August 31, तो 31 अगस्त तक जो अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें हैं उनका उन पर प्रतिबंध अभी बढ़ा दिया गया है। क्यों प्रतिबंध लगा था, क्योंकि COVID-19 हो गया था, उसके बाद जो है संक्रमण ना हो, दूसरे देश से केसेस ना आए, इसलिए प्रतिबंध लगा दिया गया था। ये कहा गया है कि अभी जो भी वंदे भारत मिशन के तहत फ्लाइट्स चल रही हैं उन्हीं वही अलाउ किए जाएंगे, या फिर जो कंट्री बायलेटरल एग्रीमेंट्स हुए हैं उन देशों से ये फ़्लाइट्स अलाउ की जाएंगी। अभी तक वर्तमान में USA, UAE और फ्रांस तीन देशों से भारत का बायलेटरल एग्रीमेंट हुआ है उड़ान भरने के लिए। तो यानी कि वंदे भारत मिशन और इन तीनों देशों के अलावा कहीं पर उड़ान नहीं होगी अंतर्राष्ट्रीय, ये बात हमने न्यूज़ में देखा। अगली न्यूज आर्टिकल है मोदी गवर्नमेंट एम्पावर्ड मुस्लिम वीमेन, तो जो हमारे माइनॉरिटीज़ के मिनिस्टर यूनियन मिनिस्टर माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर मुख्तार अब्बास नकवी, इन्होंने जो है जो ट्रिपल तलाक है इसको कानून बने हुए 1 साल हो गया, जिसकी एनिवर्सरी में के प्रोग्राम में एक बार बोलते हुए बताया है कि 1 अगस्त को मुस्लिम वुमेन राइट्स डे के रूप में मनाना चाहिए, इसको देखना चाहिए, क्योंकि इस दिन ट्रिपल तलाक कानून लाया गया और इससे क्या है मुस्लिम महिलाओं को काफ़ी अधिकार मिले, मानवता के अधिकार। इन्होंने भी कहा कि ये कानून तो सही पूछे तो 1986 में ही बन जाना चाहिए था, जब साहबानों केस में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि ट्रिपल तलाक इनवैलिड है, लेकिन उस समय कांग्रेस की विल पावर नहीं थी जबकि उनके पास मेजॉरिटी थी, वो वोट बैंक की राजनीति कर रहे थे। फिलहाल इसमें हमारे लिए पॉलिटिकल एस्पेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम जानेंगे साहबानों केस किससे संबंधित है, या आपका ट्रिपल तलाक मुस्लिम वीमेंस के राइट्स से संबंधित है। और एक आंकड़ा इन्होंने बताया है कि जब से ट्रिपल तलाक आया है लगभग 82% केसेस में कमी आई है, जिसमें ट्रिपल तलाक होते थे अब 82% कम तलाक दिए जा रहे हैं, और जो ऐसे केसेस आ रहे हैं उन पे पुलिस कड़ी कार्रवाई भी कर रही है, ये बात इन्होंने ट्रिपल तलाक संबंधी बताया। अगली न्यूज आर्टिकल ट्रायल्स फॉर 32nd COVID-19 टेस्ट बिगिन, तो जैसे इंडिया और इसराइल का एक साझा वेंचर है जिसके माध्यम से इसराइल कुछ जो रैपिड टेस्ट तैयार कर रहा है कि जिससे कोरोना की टेस्टिंग काफ़ी कम समय में हो जाए, इसके अंतर्गत जो कुछ वॉइस टेस्ट होगा या ब्रीथ टेस्ट होगा इससे पता लेंगे, जैसे कि आप देखेंगे कि जब आदमी की जुकाम होता है तो उसकी थोड़ा सा आवाज़ भारी हो जाती है, तो ऐसे में क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीकियों का प्रयोग करते हुए जो वॉइस को एनालाइज किया जाएगा, तो ऐसे में देखा जाएगा क्या टेस्ट सक्सेसफुल है, अगर ये टेस्ट सक्सेसफुल हो जाता है
तो काफ़ी सस्ता टेस्ट हो जाएगा और काफ़ी कम टाइम में हो जाएगा। इससे हमें काफ़ी हेल्प मिलेगी कोरोना से लड़ने में। अगला न्यूज़ आर्टिकल है, इंडियाज़ फैटलिटी रेट एमंग वर्ल्ड स्लोवेस्ट। तो इंडिया की जो मृत्यु दर है कोरोना से वो विश्व में सबसे कम है, सबसे कम में से एक है। जो वर्तमान मृत्यु दर है 2.18% है, और इतनी जनसंख्या में जिस तरह रिकवरी रेट है हमारी, जैसे दिल्ली की रिकवरी रेट सबसे ज़्यादा 89% है। तो ये दिखाता है कि हमारा जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी कैसे अच्छा जो है इससे लड़ने में सफल रहा है, जबकि और काफ़ी डेवलप्ड देश इससे जूझ रहे हैं। डॉक्टर्स क्वारंटीन डे मस्ट नॉट बी रिमार्क्ड लीव, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो डॉक्टर्स लोग को क्वारंटीन के लिए 14 दिन का क्वारंटीन पीरियड मिलता है, इसको छुट्टी ना मानी जानी चाहिए और डॉक्टरों की इससे छुट्टी नहीं कटौती करनी चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय में कहा है। अगला न्यूज आर्टिकल है, सरप्लस रेन लाइकली इन टू मंथ्स। तो जो अगस्त और सितंबर में है इस पे अनुमान ही लगाया जा रहा है कि लगभग लॉन्ग पीरियड एवरेज का 104% रेन होगी। लॉन्ग पीरियड एवरेज क्या है, आपके मन में सवाल उठ रहा होगा। तो ये आपका एक लंबे समय तक के लिए, लगभग ये 50 वर्ष माना जाता है, मानक कि 50 वर्षों में देखा जाता है कि उस दौरान कितनी बरसात हुई है, उसका जो एवरेज लिया जाता है उसी से बरसात की तुलना की जाती है, अगर उससे अधिक रहता है, कम रहता है या फिर सामान्य बरसात है। तो जो लॉन्ग पीरियड एवरेज है पिछले 50 सालों के एवरेज को कहा जाता है। तो अभी जो बताया गया है अगस्त और सेप्टेम्बर में 104% जो है बरसात होगी लॉन्ग पीरियड एवरेज का, तो ये लगभग हो नॉर्मल बरसात ही कहेंगे। इससे क्या है, फार्मर्स को ज़्यादा टाइम पीरियड मिलेगा बुआई करने के लिए और फसल उत्पादन भी बढ़ने की संभावना है। ये मानचित्र आप देख रहे होंगे, इसमें दिखाया है, जो इसमें ब्लू से दिखाया गया है, ये एक्सेस रेनफॉल वाले क्षेत्र हैं, जैसे आपका तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और बिहार, सिक्किम और ये आपका मेघालय, ये आपके जो है 6 राज्य हैं। उसके बाद जो ग्रीन से इनमें नॉर्मल रेनफॉल है, जो डार्क ब्लू है लार्ज एक्सेस है, और जिसमें पीला है ये डेफिशिएंट है। इस पीले में आप देख रहे होंगे केरल है, राजस्थान है, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है और ये नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्य हैं। और जो रेड कलर से वो लार्जली डेफिशिएंट है, लद्दाख का क्षेत्र, यहाँ पर बरसात बहुत ही कम होती है। तो ये चीज़ आपने मानचित्र में देखा वर्षा का कैसे वितरण है। अगला न्यूज आर्टिकल है, पैंडेमिक अ चांस फॉर अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। तो जो एक नोबल विजेता हैं और जिन्होंने ग्रामीण बैंक की स्थापना भी की थी, इनका नाम है मोहम्मद यूनिस। इन्होंने कांग्रेस के प्री प्रेसिडेंट जो थे राहुल गांधी, उनसे वीडियो कॉलिंग के माध्यम से बताया, इन वार्तालाप में बताया कि ये जो कोरोना का समय है ये एक नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार करने की बात कर रहे हैं। तो कैसा वर्ल्ड ऑर्डर, मतलब कि सबको एक नया मौका दे रहा है, एक ऐसा विश्व बनाया जाए जिसमें ग्लोबल वार्मिंग ना हो, यानी कि क्लाइमेट अच्छा रहे, स्वच्छ रहे, वेल्थ कंसंट्रेशन ना हो, पैसा केवल एक ही लोग के ऊपर सिकुड़ता ना चला जाए, नो अनएम्प्लॉयमेंट की बात इन्होंने की, कहने का मतलब हर लोगों को रोजगार मिले, नई नई नीतियाँ लागू हों। तो ये एक सोचने का और विचार करने का और नई नीतियों का निर्धारण करने का समय है, ये इन्होंने बताया। जो मोहम्मद यूनुस हैं ये नोबल लॉरेट भी रह चुके हैं, इन्होंने ग्रामीण बैंक की स्थापना की थी। अगली न्यूज आर्टिकल, 1947 पैक्ट ऑन गुरखा सोल्जर्स रिडेंडेंट, नेपाल मिनिस्टर। तो 1947 में एक गोरखा के साथ एक समझौता हुआ था इंडिया, नेपाल और यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन के साथ। इसके अंतर्गत क्या था कि जो नेपाल में गोरखा जातियाँ हैं उसके जो ये लड़ाकू जातियाँ मानी जाती हैं, इनको जो इनका एक अलग रेजिमेंट है गोरखा रेजिमेंट, इनको बांटा गया था भारतीय सेना और ब्रिटेन की सेना के बीच। तो अभी जो है ये पैक्ट जो हुआ था, इसको नेपाल के मंत्री ने इसको कहा है, अब इस पर प्रश्नचिन्ह उठने लाजमी है। इस वर्तमान में भारत के नेपाल से रिश्ते काफ़ी ठीक नहीं हैं, खास करके काला पानी विवाद के बाद। तो अभी क्या है कि जो गुरखा सोल्जर्स का रिक्रूटमेंट होता है इस पे जो है नेपाली जो यूथ्स हैं उनको काफ़ी चांसेस मिलते हैं बाहर जाकर नौकरी करने का और अच्छी आय का स्रोत भी मिलता है। तो अभी इस पर इनके जो नेपाल के मंत्री हैं इन्होंने प्रश्न उठाया है, तो इसमें भी एक संभावना दिख रही है। हालांकि अभी इसका प्रभाव क्या, किस लिए प्रभाव है ऐसा आप गेस कर सकते हैं, मुख्य कारण है भारत नेपाल के रिश्ते अभी ठीक नहीं, खास करके काला पानी विवाद के संबंध में। इंडियन बिड फॉर एयरपोर्ट टू हाई ढाका। तो जो नेपाल के विदेश मंत्री हैं इन्होंने बताया कि देखिए, एक जो एयरपोर्ट टर्मिनल है सिलहट में, उसका नाम है मैग उस्मानी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये सिलहट में, बांग्लादेश के सिलहट में इसको बनाना है। तो इसमें जो कुछ कंपनियों ने जो बोली लगाई थी, उसमें एक चाइनीज़ कंपनी भी थी और भारतीय कंपनी भी थी, जो आपका लार्सन एंड टूब्रो, लेकिन चाइनीज़ कंपनी को इसका ठेका दे दिया गया है। क्यों दे दिया गया है, तो बताया जा रहा है कि वो टेक्निकली ज़्यादा हाई क्वालिफाइड है और उन्होंने कम दरों पर यानी कम खर्च में बनाने की बात की है। तो अभी जैसे जान रहे हैं कि भारत चीन का कॉम्पिटिशन रहता है और बांग्लादेश जो है हमारा काफ़ी अच्छा सहायक दोस्त है, तो ऐसे में जैसे
से हमारे टेंडर वहाँ से लॉस हो रहा है, तो हमारे फाइनेंशियल लॉस होगी, इकोनॉमिक लॉस होगा, और चाइना की वजह से, तो चाइना जैसे एक टेक्नोलॉजिकली डेवलप है, तो ऐसे में हमको काफ़ी नुकसान झेलना पड़ता है खास करके आसपास देशों में। इससे चिंता की बात एक और जो है उत्पन्न होती है, जो सिलहट है ये इंडिया के उत्तर पूर्वी राज्यों के पास है, और यहाँ पर चीन की उपस्थिति जैसे बढ़ेगी ये हमारे लिए चिंता का ही विषय होगी। तो ये बात बताई है, और इनसे पूछा गया जब विदेश मंत्री से बांग्लादेश के कि आपने जो है भारत चीन का जो बॉर्डर मुद्दा था इस पर कोई टिप्पणी नहीं की, तो इन्होंने बताया कि हमने जाना कि कुछ भारतीय जवान शहीद हो गए थे, और लेकिन जो है प्रधानमंत्री मोदी जी का कमेंट आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि चाइना ने एक भी इंच भारत की टेरिटरी पे नहीं कब्जा किया है। तो जब ऐसी कोई बात नहीं थी, ना ही हमारे पास कोई नोटिस आई, तो हमने इस पर कोई भी टिप्पणी करना उचित नहीं समझा। ये बांग्लादेश के विदेश मंत्री का कथन था। अगला न्यूज आर्टिकल है, ओलीज रिमार्क अगेंस्ट इंडिया अनडिप्लोमेटिक। तो जो नेपाल के प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा ओली, उन्होंने कई विवादित बयान दिए, जैसे कि उनमें से कुछ ऐसे हैं, उन्होंने कहा था कि जो भारतीय सरकार है वो हमारी सरकार को गिराने का प्रयास कर रही है विपक्षियों के साथ मिलकर, और ये भी कहा था कि जो वास्तविक अयोध्या है वो भारत में ना होकर ये नेपाल में है। तो ये सब विवादित बयान नेपाल के प्राइम मिनिस्टर ने दिया था। तो जो नेपाल की रूलिंग पार्टी है उसने कहा था कि जो इन्होंने बयान दिया है अनडिप्लोमेटिक बयान है, यानी कि ये पर्सनल उसमें बयान दे रहे हैं, ना कि कोई पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हुए। तो ये प्रश्न जिन्होंने उठाया है, और ये भी उनको बताया है, एक चेताया कि जिस समय हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है भारत के साथ मिल बैठ कर बात करने के लिए, बॉर्डर मुद्दों को सुलझाने के लिए, उस समय ऐसे इरिटेटिंग कमेंट्स काफ़ी चिंताजनक है, ये बात बताई। अगली न्यूज आर्टिकल है, प्रेग्नेंट वीमेन एज्ड मस्ट गेट लोअर बर्थ्स, हाईकोर्ट। तो मध्य प्रदेश के जो हाईकोर्ट है उसने एक निर्णय दिया जिसमें उन्होंने कहा है कि जो रेलवे में रिजर्वेशन पॉलिसी है उसके अंतर्गत जो VVIPs को रिजर्वेशन दी जाती है, तो ये तो अच्छा है, ठीक है, क्योंकि VVIPs को अचानक कहीं ना कहीं जाना पड़ता है तो उनके लिए सीट अवेलेबिलिटी ज़रूरी है, लेकिन जो लोअर बर्थ दी जाती है इसमें VVIP से भी ज़्यादा प्रेफरेंस प्रेग्नेंट वुमेन को दी जाए, उसके बाद जो वृद्ध पुरुष हैं उनको दी जाए, तीसरे नंबर पर VVIPs को आना चाहिए, ये बात बताई, क्योंकि VVIPs बेटर हेल्थ में होते हैं, सबसे ज़्यादा आवश्यक प्रेग्नेंट वीमेंस को होती है। अगली न्यूज आर्टिकल है, नो वर्ड फ्रॉम UK ऑन माल्या केस। तो जैसे कि आप जान रहे होंगे, विजय माल्या जो एक आपके लिकर बैरन हैं, ये 9000 करोड़ का घोटाला करके विलफुली डिफॉल्ट करके भागे हुए हैं भारत से, और ब्रिटेन में इन्होंने शरण लिया है। तो जो भारत का इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, इसने जो है यूके के यूनाइटेड किंगडम की अथॉरिटी से बात भी की, भाई इनको अब हमारे हवाले कर दीजिए, हम अपने कानूनी नियमों के अनुसार इन पर कार्यवाही करेंगे। और इन्होंने जो विजय माल्या ने यूनाइटेड किंगडम के कोर्ट्स में जो अपील फाइल की थी उसको भी सब रिजेक्ट कर दिया गया है, लेकिन इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो भारत की संस्था उसके द्वारा बताया जा रहा है, अभी ब्रिटेन की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है कि क्या प्रक्रिया इसके संबंध में चल रही है। अगली न्यूज आर्टिकल है, जॉब कार्ड्स द सोल होप ऑफ माइग्रेंट रिटर्नीस। तो इसमें बताया गया है कि जैसे जो असम के क्षेत्र में जो भी लॉकडाउन की वजह से जो शहरों से लौट कर वापस घर की तरफ आए थे, उनके लिए केवल एकमात्र मनरेगा ही एक आय का स्रोत रह गया है, जिसके माध्यम से जॉब कार्ड से 100 दिन की गारंटेड जॉब रहती है। इनके साथ इनका पूरा जो जॉब लॉस हो गया है शहरों में जहाँ रहते थे, अब इनके लिए एक ही सहारा मनरेगा रह गया, उसमें भी बाढ़ आ गई तो काफ़ी और प्रभावित हो गए हैं। लेट CBI टेक अप सुशांत केस बिहार डिप्टी CM। तो जो बिहार के डिप्टी CM, उन्होंने कहा है कि बिहार पुलिस का जो महाराष्ट्र पुलिस से वो कॉपरेट नहीं कर रही है, जो फॉर्मर एक्टर जिन्होंने सुसाइड कर लिया सुशांत सिंह राजपूत ने, इनके इंक्वायरी में, तो ऐसे में जो बिहार पुलिस का कॉपरेशन मुंबई पुलिस का नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में CBI को ही केस देखना चाहिए ताकि वो अच्छे से हैंडल कर सकें और पूरे मामले को निपटा सकें। ये थी इससे संबंधित न्यूज आर्टिकल। अब हम चलेंगे अंतर्राष्ट्रीय जगत के संबंध में। अंतर्राष्ट्रीय जगत में सबसे पहली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, तमिल नेशनल अलायंस फेसेस बिगेस्ट टेस्ट इन पोस्ट वार डिकेड एज श्रीलंका गियर्स अप फॉर इलेक्शन। तो जैसे कि आप जान रहे होंगे कि श्रीलंका में अभी चुनाव होने वाले हैं, तो वहाँ पर एक पार्टी है तमिल नेशनल अलायंस। तो श्रीलंका में प्रमुखता दो समुदाय चलते हैं, एक आपका जो वहाँ के लोकल है उनको सिंघलीज कहा जाता है, और एक जो आपके तमिल क्षेत्र है जो भारत के दक्षिण भागों से वहाँ पर माइग्रेट करके गए हैं। तो जब वहाँ पर गृहयुद्ध छिड़ा हुआ था तो तमिल माइनॉरिटीज़ के खिलाफ काफ़ी अत्याचार हुआ था वहाँ पर, तो ऐसे में जो तमिल नेशनल अलायंस है वो तमिलों की आवाज़ उठाती रही है, और ये भी तमिल जो पॉपुलेशन है इसका पूरा एक खास वोट बैंक है। तो अभी इलेक्शन होने वाला है, तो जो तमिल पॉपुलेशन है वो भी काफ़ी इससे संतुष्ट नहीं दिख रही तमिल नेशनल अलायंस से, क्योंकि जो है इतना दिन हो गया अभी इनको कोई राहत नहीं मिली, 11 साल से ज़्यादा हो गए हैं वार्ड को ख़त्म हुए, इनको अभी इस बराबर राइट्स नहीं मिलते हैं, इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन वगैरह होता रहता है। तो ऐसे में बोल रहे हैं कि जो तमिल नेशनल अलायंस है हर बार जो चुनाव जीतती रहती है, चुनाव में काफ़ी सीटें पाती रहती है अपने वोटरों के दम पर, ये वोटर भी इससे नाखुश हैं, ये इसलिए इस पार्टी के बारे के लिए इस बार और भी काफ़ी समस्या खड़ी हो सकती है। अगली न्यूज आर्टिकल, साइटिंग पैंडेमिक हांगकांग डिलेज पोल्स। तो जो हांगकांग है
उसने जो है अभी चुनाव को 1 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया है। 6 सितंबर को इलेक्शन होने थे। क्यों? देखिए ये बता तो रहे हैं कारण कि कोरोना वायरस की वजह से हमने इसको एक्सटेंड किया है, लेकिन वास्तविक कारण हम देखें तो अभी आपने कल न्यूज़ में देखा था कि 12 जो लोकतंत्र के पक्ष के कैंडिडेट्स थे उनका नॉमिनेशन रद्द कर दिया गया कि ये चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो ये मुख्यतः जो चाइना है वो डेमोक्रेटिक कैंडिडेट्स को चुनाव न लड़ने के एक न लड़ने देने के लिए एक प्रयास कर रहा है। चाइना ने इससे पहले भी एक नया सिक्योरिटी लॉ पास किया था जिसके अंतर्गत हांगकांग, जो कि वन कंट्री टू सिस्टम्स के अंतर्गत रूल में आता है, ये ब्रिटेन की पूर्व कॉलोनी रही है और यहाँ पर डेमोक्रेटिक सिस्टम काम करता है। तो चाइना इस पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है, तो अभी इस इलेक्शंस को इसलिए और पोस्टपोन किया गया है। तो ये हांगकांग पर चाइना का अपनी पकड़ मजबूत करने का एक टैक्टिक्स है। अगली न्यूज आर्टिकल है, वियतनाम रिपोर्ट्स फर्स्ट कोविड-19 डेथ। तो जो वियतनाम, जिसमें पिछले 99 दिनों से कोई एक भी केस नहीं आया था, तो उसमें अभी जो है इस हफ्ते काफ़ी लगभग 47 केसेज आ गए थे और अभी पहली कोविड-19 की डेथ वियतनाम से हुई है। तो जबकि इस राष्ट्र को काफ़ी तारीफ की गई थी, कोविड-19 से डील करने में काफ़ी हेल्पफुल था, लेकिन अभी फिर इसके लिए चुनौती की बात आ गई है। स्पीयर फिशिंग वॉज यूज इन ट्विटर हैक। तो जैसे कि आप जान रहे होंगे कि इस पिछले माह के अंत में, लगभग जुलाई के मध्य ही, अगस्त में ही लगभग एक ट्विटर कुछ अकाउंट्स हैक हुए थे, लगभग 130 अकाउंट, उसमें से काफ़ी इन्फ्लुएंट पीपल के जैसे एलॉन मस्क के, जो बिडेन के, बिल गेट्स, इन सब के ट्विटर अकाउंट्स हैक हुए थे और उसमें कुछ पोस्ट किए गए कि आप हमें 100 बिटकॉइंस दीजिए, 1000 बिटकॉइंस दीजिए और हम आपको 2000 बिटकॉइंस वापस करेंगे, ये केवल आधे घंटे के लिए है। तो मतलब जो अथॉरिटी, मतलब इन लोगों की क्रेडिट अच्छी है, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े टाइकून्स हैं, इनकी क्रेडिट है, तो इनका यूज़, इनकी इमेज को यूज़ करते हुए जो हैकर्स ने ये स्कैम किया, इसको फिशिंग कहते हैं, PHISING। फिशिंग का मतलब क्या होता है कि आपको लगेगा कि ये तो आधिकारिक है लेकिन वास्तविकता में उसके पीछे कोई धोखाधड़ी रहती है। तो ऐसे ईमेल्स या मैसेजेस जो आधिकारिक दिखने में लगते हैं लेकिन वो धोखाधड़ी के लिए प्रयोग होते हैं, उनको इस प्रोसेस को फिशिंग कहते हैं। अगली न्यूज आर्टिकल है, इज़ ट्रंप एम्पावर्ड टू डिले द इलेक्शन। तो अभी ट्रंप ने ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा है कि अभी कोरोना वायरस की वजह से काफ़ी यह है, तो अभी सेफ्टी के वजह से हम इलेक्शंस को पोस्टपोन कर सकते हैं। तो अब प्रश्न ये उठता, क्या अमेरिका के राष्ट्रपति के पास अधिकार होता है कि वो इलेक्शन को पोस्टपोन कर सके? तो अमेरिका का संविधान ये अधिकार राष्ट्रपति को नहीं देता है, बल्कि वहाँ की कांग्रेस को देता है, यानी जो वहाँ की संसद है। तो अब हम देखेंगे, तो लेकिन फिर प्रश्न उठता है, ये चीज़ें आसान नहीं होगी। अगर वर्तमान में इलेक्शंस नहीं हो पाते हैं, जो नवंबर में इलेक्शंस हैं, तो 25 तो जो 20 जनवरी आने वाली 20 जनवरी है, इसी तारीख को इनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा डोनाल्ड ट्रंप का। अब जब प्रेसिडेंट की सीट वहाँ पर खाली जाती है तो उनकी जगह पर वाइस प्रेसिडेंट उनकी जगह ले सकता है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट का कार्यकाल भी प्रेसिडेंट के साथ ही खत्म हो जाएगा, यानी 20 जनवरी को। तो अब प्रश्न उठता है, इनके बाद कौन प्रेसिडेंट की कुर्सी संभालेगा? फिर आते हैं स्पीकर, जो वर्तमान में नैन्सी पेलोसी हैं, लेकिन स्पीकर का टर्म 3 जनवरी को ख़त्म हो जा रहा है, यानी कि प्रेसिडेंट से भी पहले, तो फिर स्पीकर का ऑप्शंस भी ख़त्म हो जाता है। फिर इसके बाद जो है, जो आर्टिकल फर्स्ट जो है यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है कि प्रोटेम एक प्रेसिडेंट, एक नया प्रेसिडेंट चुना जाए प्रोटेम, तो ये वर्तमान में तो डेमोक्रेट, ये तो वर्तमान में तो रिपब्लिकन के एक चक ग्रेसली नाम के प्रोटेम प्रेसिडेंट हैं, लेकिन अगर इलेक्शंस नहीं हुए नवंबर में तो जो रिपब्लिकन है वो सीट लॉस कर देंगे और डेमोक्रेट की मेजॉरिटी हो जाएगी, जिससे डेमोक्रेट नया प्रोटेम प्रेसिडेंट चुन सकते हैं। तो ये सब काफ़ी चुनौतियां हैं अभी वर्तमान में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस जो होने हैं वहाँ पे, अगर समय पे नहीं होते हैं, अगर पोस्टपोन होता है इलेक्शन तो। और ये भी बात की जा रही है, ऑप्शंस देखा जा रहा है कि ईमेल के जरिए वोटिंग की जाए, इससे क्या है, संक्रमण की संभावना भी नहीं रहेगी, लेकिन फिर प्रश्न उठता है क्या ईमेल से धांधली नहीं हो सकती है? तो ये बताया गया कि जैसे वाशिंगटन जैसे राज्यों में पहले भी ईमेल से वोटिंग हुई है, कोई इसे फ्रॉडलेंट नहीं हुआ है। और एक विकल्प और प्रयोग किया जा सकता है कि ईमेल के माध्यम से वोटिंग की जाए और जो वोट्स रहें उन पर बारकोड्स सब पे अलॉट कर दी जाए, और उन बारकोड्स का प्रयोग करते हुए वोटर और जो वोटिंग अथॉरिटी सब उस वोटिंग वोट्स को ट्रैक कर सकते हैं, कहाँ पर मेरा ट्रैक पहुँचा, वोट पहुँचा है, कितनी प्रोसेसिंग हुई, क्या भी उसका सिचुएशन है। तो ऐसे में संभावना है कि वोटिंग कराई जा सकती है। ये हमने देखा यूएसए के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के संबंध में। अगली न्यूज आर्टिकल, यूरो जोन इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्ट्स आर रिकॉर्ड 12%। तो जो यूरो जोन की अर्थव्यवस्था है वो 12% तक सिकुड़ गई है। तो अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा, यूरो जोन क्या है? यूरो जोन आपका यूरोपीय संघ के उन देशों का समुदाय है जिसमें यूरो करेंसी के रूप में स्वीकृत है, तो ऐसे देशों को यूरो जोन कहते हैं। वर्तमान में शायद अभी इसमें 19 के करीब देश हैं, अभी इसकी अर्थव्यवस्था में 12% तक सिकुड़न आई है।
पूरी बैट्स फॉर 100% FDI इन अफोर्डेबल रेंटिंग हाउस। तो जो हमारे वर्तमान में हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी, इन्होंने कहा है कि अगर जो है अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग में जो किराए पे घर मिलते हैं शहरों में, इसमें अगर 100% तक विदेशी निवेश को अलाउ कर दिया जाए तो जो एक व्यक्ति का आज सपना होता है कि जीवन में कम से कम अपना एक घर बना ले, तो इस सपने से आदमी उभर जाएगा और नए नए इन्वेस्टमेंट और नए बिजनेस प्लान्स के बारे में सोच सकेगा। तो इन्होंने कुल मिलाकर 100% FDI की बात की है अफोर्डेबल हाउसिंग में। अगली न्यूज आर्टिकल, सेंटर वर्किंग विथ RBI ऑन नीड फॉर लोन रिस्ट्रक्चरिंग फाइनेंस मिनिस्टर। तो वित्त मंत्री ने कहा है केंद्र जो RBI के साथ काम कर रहा है कि जो भी लोन्स वगैरह हैं जिन्होंने लोन वर्तमान लिया उनको रिस्ट्रक्चर किया जाए। रिस्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि जैसे कोरोना काल है तो जो टर्म्स एंड कंडीशंस थी जो है लोन्स की, अब वो सेम नहीं रह सकती है। मान लीजिए कोई लोन 2 साल में अदा करना था, लेकिन अभी देख रहे होंगे 6 महीने बीत गया, ऐसे ही इंडस्ट्रियल एक्टिविटी सारी ठप है, तो ऐसे में उनको समय कार्यकाल बढ़ाना या ब्याज दर में कुछ समझौता करना या कुछ ऐसे करके ताकि वो फिजिबल लोन्स रहें, और बैंकों को भी प्रमोट करना है कि वो MSMEs को लोन प्रोवाइड करते रहें। ये थी हमने देखा इससे संबंधित न्यूज़, ये थी हमारी आज की न्यूज़पेपर डिस्कशन। इस पर बेस्ड क्वेश्चन को हम देखें, क्वेश्चन हमारे हैं। सबसे पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कोर क्षेत्र का उद्योग नहीं है? कोयला, विद्युत, ऑटोमोबाइल उद्योग, पेट्रोलियम रिफाइनरी। ग्रामीण बैंक की स्थापना किसने की थी? यूनुस खान, अरुण जेटली, पी चिदम्बरम, अमर्त सेन। फिशिंग क्या है? आधिकारिक दिखने वाला धोखाधड़ी ईमेल या मैसेज। मछली मारने का आधुनिक यंत्र। मत्स्य उद्योग में प्रसंस्करण के लिए प्रयोग होने वाला यंत्र, इनमें से कोई नहीं। ये थी हमारी आज की न्यूज़ प्रेडिक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।